मैं तो जाके क्या देखोगे, वहाँ खंडर है। तो वही बात है, खंडर ही तो है। हाँ तो खंडर भी देख लो जब अपने, तुम महल का महल देखो तो। किसी ने तो कभी सभी प्यार से ही बनाया होगा। देखो कैसे कैसे रोशनदान है। देखो ये कहते हैं ना, ये तो सारा अब नया कर रखा, पुराने जैसे तो कुछ ना। अब पुराना रहता है तो खंडर है, नया कर देते हैं तो ये तो। लेकिन है कितना लंबा चौड़ा, इसको कोई कब्जा ना कर रहा। कब्जा मतलब सरकार का होगा, सरकार का कब्जा है। टिकट वगैरह तो कुछ है नहीं, है ना? जो मेंटेनेंस होगा थोड़ा बहुत, वैसे तो है नहीं मुझे लगता नहीं। पर ये जो ये लगाई गई है ये भी तो है ही, ये तो आधुनिक ही है। बस दो साल हो गए, पत्थर तो पहले ही है, संपत्ति है। अरे इधर से भी तो है, दे दिए ना। अरे कहाँ से जा रहे हो, ऐसे थोड़े ही घुस सकते हो कहीं भी। जहाँ को सब घूम रहे हैं वही को तो घूमोगी। आज टेन थाउजेंड स्टेप हो जाने चाहिए, इतना हम घर जाना वापस। चलो चलो, अरे साढ़े पाँच हजार तो हो गए। क्या अच्छा वैसे ना, ये माथे पर सिंदूर से लगा के तिलक लगवाया था, ऐसे लगा कि हाँ सारे पाप से धुल गए। है ना, ऐसी फीलिंग से आवा फिर कि अब तो हमने कोई पाप किया ही नहीं पूरे जीवन। दीदी मगर तुम भी तिलक विलक लगवा के कल सुबह तब घूमना स्टार्ट करना, ताकि लोगों को लगे कि हम भी पुण्य आत्मा है। ठीक है, हमने तो अमृतसर में इतने पीछे थे भाई, क्या पूछे, कम से कम 150 करोड़। देखिए इतने से लेके इतने बड़े बड़े, इतने बड़े। तो आप वहाँ जू में गई थी? हाँ अमृतसर में गई थी जब। भैया ये तो सारा घूमना पड़ी। तो तोते तो हमने वहाँ भी देखे, दिल्ली वाले जू में भी बहुत तरह के थे। देखो वो तो बंद था, वो जावे आ जाती है, मुझे लगे खुआ दिखे ऊपर। बस ये इसी तरह का होगा सारा, वहाँ कैसा दिखा। अंदर तो जाना मन नहीं है, बस बाहर कोई चारों तरफ चक्कर काट लो इससे। अंदर ही जाएंगे? नहीं अंदर क्या करोगे, देखो है। चलो देखते हैं थोड़ा बहुत कुछ दिखाएंगे तो। तो फिर नहीं अंदर जाना है, पायल बुआ के पास आ जाओ। ए बोलो बुआ के पास देखो, साथ खड़ी हो गए। ये सुना थोड़ा ही है, टिक्का देख लो कहाँ जा रहा है। पास हो जाओ, बहुत दूर दूर हो रहे हो। चलो ये पातालपुरी में हम जहाँ पे आए हैं, ये जो किला देखने, ये उसी में एक अक्षयवट है। अक्षयवट इसको बहुत लोगों ने नष्ट करने की कोशिश की है। इसी के नीचे बैठ के वशिष्ठ जी महाराज ने राम जी को लक्ष्मण जी को उपदेश दिया था, ये वही अक्षयवट है। तो ये कभी नष्ट नहीं होगा ऐसा यहाँ पर लिखा हुआ था, लेकिन इसको ताला लगा रखा था, छूने नहीं देते। जब ज़्यादा भीड़ हो जाती है तो बंद कर देते हैं। ये कहते हैं कि इसके छूने मात्र से सब दुख दर्द मिट जाते हैं, तो इसलिए हमने दूर से ही इसको देखा है। पापा आए थे ना? पापा भैया और कैसे कहते हैं, हाँ लाली सही कह रही है, यही देख के गए थे पापा। पापा बेचारे आए तो, पापा इलाहाबाद आए तो होंगे खत पर। देखिए ऐसी तो हमारी याद में तीसरी साल मिला था उन्हें, वो सब गेहूँ काटने में निकाल देते हुए सब तो छुट्टी मिला थी और घूमने के पैसे मिले थे। गेहूँ ना काटते तो खाते क्या, कटवाने में निकाल और सब उसी में लगा देते भैया पालकों के पालन पोषण में। गेहूँ कटवा लो, चलो यहाँ से देखेंगे कितने पौधे। कुछ नहीं दिखने का दीदी यहाँ से भी। हाँ ये बाहर बाहर है, ये भी किले के अंदर नहीं जा रहा है यहाँ से कुछ भी।
ऐसे ही कोई होगा जिन्हें कितने दरवाजे, 7 दरवाजे पार रहते होंगे रहने वाले। बिल्कुल आतंकवादी हमला ना कर रहे हैं। चलो चलो ले लो, इतना टाइम ना लगा, जल्दी हमें तो ना दिखे। आज हम पहले हाथी देखेंगे कौन है। आज दीदी ये वाल्मीकि, ये वाल्मीकि है। ए हम तो सरस्वती क्या, सरस्वती माता जी, जय मेरी मैया, जय मेरी मैया, हमारे भी सरस्वती जी आ जाओ। चलो जाओ, बाल तो जल्दी ठीक जा, मैं फोटो उठ दे, सारा माथा गंदा कर लिया। हाँ लक्ष्मी जाओ लगवा लो, पहल के लगवा दो। हो सकता है उसी की जड़े हो सब जगह, है ना। अरे ऐसी जगह वैसे तो ये तो हो ही जाते हैं बहुत ज्यादा, वहां पे उसको बंद कर रखा तो इसका मतलब वो है, ठीक है ना। चलो क्या खाएगी, देखो फेस कैसा लग रही है, थक गई पायल भी नहीं, और पायल क्यूट लग रहा, फेस है स्किल की ना हम दोनों, हाँ क्यूट लग रहा है ना, क्यूट पायल, देखो मेरा इतने कैसे मोटा हो गया, पायल सो के उठी होगी, हाँ इसीलिए हो रहा है, ट्रेन में अच्छी नींद नहीं आ रही, हाँ ऐसा कुछ कुछ इसलिए मम्मी भी सोया थोड़ी देर, मेरे सिर में दर्द होगी, अभी तो नहीं हो रहा, चलो कुछ खिलाते हैं, आज ये नहीं करोगे, हाँ जा रहे हैं नहाने के लिए, गंगा में वो गंदा पानी है, वैसे नहीं बोलते, नहीं नहीं मगर वो अभी तीर दीदी यार चली गई थी अंदर इसमें घूमने के लिए, इसमें अंडरग्राउंड भी एक मंदिर बना हुआ था, लेकिन मैं बाहर ही रुक गई थी पायल के पास, लेकिन फिर मुझे लगा कि नहीं मुझे भी जाना चाहिए, तो इसलिए मैं फिर दीदी यार के पीछे पीछे चली गई। दीदी यार देखो यहाँ पे खड़ी हैं, मैं उनसे पूछ रही हूँ कि आपकी तरफ मैं कैसे आऊँ, तो उन्होंने बताया कि आपको नीचे से घूम के आना पड़ेगा, और ये उसी किले के अंदर हैं अभी अभी, यहाँ भी ये जो सब वट है ना अक्षयवट की ही जड़े हैं, तो इनकी भी इतनी ही मान्यता है जितनी उनकी, तो यहाँ हमने इनकी भी पूजा की, और ये सब देखने के बाद अब हम जाएंगे स्नान करने के लिए। पहले हम सब जगह घूम रहे थे, फिर ये हमारा प्लान था कि स्नान करके फिर सीधे घर चले जाएंगे, तो अभी हम इसकी परिक्रमा कर रहे हैं, अक्षयवट की परिक्रमा करने के बाद हम सीधे निकल जाएंगे संगम घाट की तरफ, और स्नान करके फिर वापस आएंगे, तो अगली वीडियो में आपको मिलेगा कि हम स्नान करने के लिए कहाँ कहाँ से गए और कैसे कैसे गए, तो देखते रहिए। जितना भी मैंने शूट किया है या जितना कर पाई उतना मैं सारा ही आपको दिखाऊंगी, तो इसके लिए आपको मेरी सारी वीडियो देखनी पड़ेगी, और अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, नमस्ते।